हाँ जी, हम डिस्कस कर रहे हैं क्या टाइप्स ऑफ डिमांड। तो इनमें ना आप अच्छे से देखते जाना कि कैसे कैसे होता है आपका टाइप्स ऑफ डिमांड। में दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं आपके पास, कंज्यूमर के और आपके प्रोड्यूसर के, ठीक है, कंज्यूमर के और आपके प्रोड्यूसर्स के, ठीक है। डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर, जैसे आप सभी कंज्यूमर से, हम सभी कंज्यूमर है, पेन आप, क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट है तो आपको ये स्टेशनरी चाहिए, पेन चाहिए, आपको नोटबुक चाहिए, तो आप कंज्यूमर हो गए इसके। और जो आपका सेलर है वो क्या हुआ, प्रोड्यूसर हो गया, मिडल मैन हो गया, ठीक है। तो आपने तो ये डायरेक्टली अपने कंज्यूम्पशन के लिए ही है ना, तो आपकी तो ये होगी ऑटोनोमस डिमांड। बिकॉज आप पढ़ रहे हो तो आपका ऑटोमेटिकली ये जनरेट, भूख लगी, खाना खाना है, जरूरी आपके लिए ऑटोनोमस है, तो ये आपकी डिमांड होगी आपकी ऑटोनोमस, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, डायरेक्ट, ठीक है। आई बात समझ में, डायरेक्ट डिमांड बोल लीजिए या आपका ऑटोनोमस डिमांड बोल लीजिए, ठीक है। दूसरा आपके पास आया कंज्यूमर गुड्स के लिए, और दूसरा आया इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए, या आपका प्रोड्यूसर्स के लिए, इंडस्ट्रियल भी बोल सकते हो, प्रोड्यूसर्स भी, प्रोड्यूसर्स गुड्स। अब देखो, आपके लिए जो शॉप कीपर है वो आप लोगों के लिए खरीद के लेके आए, यानी आपकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए उसने उस चीज़ को खरीदा है। तो जब भी कोई प्रोडक्ट की डिमांड किसी दूसरी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए की जाती हो तो उसको बोलते हैं ड्राइव डिमांड। क्या बोलते हैं, ड्राइव डिमांड। तो ये क्या होगी, ड्राइव डिमांड, ठीक है, इनडायरेक्ट भी बोल सकते हो। इनडायरेक्ट डिमांड प्रोड्यूसर की क्या हुई, ड्राइव डिमांड, और दूसरी आपकी इनडायरेक्ट डिमांड, ठीक है ना। कैसे बताए आपको, ये देखो, ये था कि ये आप सभी कंज्यूमर हो, जैसे स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट सभी कंज्यूमर्स है किसके, स्टेशनरी के, और ये शॉपकीपर है। आप यहाँ से खरीद रहे हो तो ये आपकी हो गई डायरेक्ट डिमांड, आप लोगों के लिए तो क्या हो गई है, डायरेक्ट। और इसके लिए जो ये शॉपकीपर एक्स है, इसने जो यहाँ से खरीदी है, इसके लिए होगी ये ड्राइव डिमांड, ठीक है ना। तो पहला केस आपको समझ में आ गया। दूसरा है आपके पास डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड्स और ड्यूरेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स की क्या होती है, पोस्टपोनेबल है होती है या नहीं, पेरिशेबल गुड्स होते कौन से होते हैं, पेरिशेबल गुड्स आज ही जो आपको यूज करने आया, जैसे दूध हो गया, मिल्क, क्या बोलते हैं, ये बटर हो गया, ये जो चीज़ जो जल्दी ख़राब हो जाती है, दही हो गया, क्या हो गया, इसको पोस्टपोन कर सकते हो आप, नहीं कर सकते, करोगे तो है ना वेस्टेज ही होगा। और जो ड्यूरेबल गुड्स है उसको आप क्या कर सकते हो, पोस्टपोन भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पेरिशेबल गुड्स की आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, उसकी आप इजीली आप पोस्टपोन कर सकते हो, ठीक है। और पेरिशेबल गुड्स क्या होता है, जिसको कंजप्शन आप एक बार ही कर सकते हो, दूध को एक बार पी लिया दोबारा थोड़ी पी सकते हो उसी दूध को, टीवी एक बार देख लिया दोबारा फिर देख लो, कार है एक बार देख चलाओ, 50 बार चलाओ, जब तक चल रही है चलाओ, है ना। उसके बाद आया ऑटोनोमस और ड्राइव का, मतलब मैं समझा चुका हूँ क्या होता है, ये ऑटोनोमस डिमांड भी थी और आपकी ड्राइव डिमांड भी थी, ठीक है। उसके बाद मेन में अगर हम बात करें प्राइस, इनकम और क्रॉस डिमांड, प्राइस और किसके साथ, क्वांटिटी डिमांड के साथ रिलेशनशिप, इनकम कंज्यूमर की इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड के साथ, और दूसरा आपका आया क्रॉस, क्रॉस का मतलब सब्स्टिट्यूट के साथ। चलो इसको हम एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, प्राइस की बात करी हमने, रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट परचेज बाय ए कंज्यूमर इन गिवन प्राइसेस, ठीक है। और इनकम में क्या कहा कि गिवन इनकम पर या गिवन लेवल ऑफ इनकम पर कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी डिमांडेड कर रहा है। और तीसरी आपने क्या की, क्रॉस सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री की, कि आपके पास जो रिलेटेड गुड्स है उसके प्राइसेस पर दूसरे प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी डिमांडेड करते हो। सब्स्टिट्यूट के केस में क्या होती है, पॉजिटिव, और कॉम्प्लीमेंट्री के केस में नेगेटिव, ठीक बात है ये। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, प्राइस ऑफ टी बढ़े तो क्वांटिटी डिमांडेड किसकी बढ़ी थी, कॉफ़ी की। और आपके जो कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसमें हमने कहा जैसे कि प्राइस जो पेट्रोल बढ़ते हैं तो कार लोग कम चलाना कर देते हैं तो उसकी डिमांड आपकी कम हो जाएगी, ठीक बात है।
उसके बाद आई आपकी, एक तो कंपोजिट डिमांड होती है और एक आपकी होती है ज्वाइंट ज्वाइंट डिमांड। ज्वाइंट बोल सकते हो या आप बोल सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री। ज्वाइंट का मतलब है कि दो प्रोडक्ट मिलकर एक नीड को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास कार है और दूसरा आपका पेट्रोल, ये दो प्रोडक्ट है और ये मिलकर आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी प्रॉब्लम को दूर करते हैं, करते हैं ना। तो ये कौन सी डिमांड हुई आपकी? ज्वाइंट डिमांड, ठीक है, और या कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। और अभी जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा दूध के डिफरेंट यूज होते हैं, उसको क्या बोलते हो आप? कंपोजिट डिमांड, संयुक्त डिमांड, कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड का मतलब क्या होता है? एक प्रोडक्ट है, वन प्रोडक्ट है, क्या करता है? सेटिस्फाई डिफरेंट नीड। दूध के एग्जांपल ले लो, ओनियन का ले लो, और बहुत सारे हैं आपके पास, तो क्या हो गया आपके? ज्वाइंट और कंपोजिट। समझे आप मेरी बात? जो ज्वाइंट और कॉम्प्लीमेंट्री एक बात होती है, कंपोजिट का मतलब एक प्रोडक्ट का ही नीड को सेटिस्फाई करे तो कंपोजिट, और दो प्रोडक्ट मिलके एक नीड को सेटिस्फाई करे तो आपका ज्वाइंट डिमांड होती है, ठीक है। आया समझ में? ठीक है, अभी तक जो आपने पढ़ा है वो बताना, क्या क्या पढ़ा है अभी तक आपने पढ़ा? पहले आपने पढ़ा कंज्यूमर प्रोडक्ट की डिमांड, और दूसरा आपने, अच्छा आज जो पढ़ा है वो देखिए, कंज्यूमर की डिमांड, फिर आपने प्रोड्यूसर की डिमांड, और भी अपना पेरिशेबल ये बता सकते हो, है ना, ज्वाइंट कंपोजिट क्रॉस, और ये सब आपने पढ़ लिया, तो ठीक है यहाँ तक। अब एक और चीज़ आती है कि जो कंज्यूमर जो प्रोडक्ट होती है उसकी डिमांड को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, या डिमांड फंक्शन जो आपने पढ़े हुए हैं, तो हमने पढ़ा है कि डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, और फिर बाद में सबको डैश 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 करके लिखते हैं, जो जितने भी डैश डैश करके लिखते हो आप, बार लगा के लिखते हो, वो सारे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। हम क्या लिखते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर डिमांड और डिमांड फंक्शन, कंज्यूमर डिमांड और डिमांड फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले आया उस प्रोडक्ट के प्राइसेस अफेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, हमें बताओ। प्राइस ऑफ कंज्यूमर उसके करते हैं ना, अब देखो ध्यान से सुनो, उस प्रोडक्ट के प्राइसेस उसकी डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? करते हैं। प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसकी डिमांड पर क्या फर्क पड़ रहा है? आपको अच्छे से क्लियर है? रिलेटेड गुड्स के, हाँ भाई कर रहा है बिल्कुल, जो आपने पढ़ा है ना उसी तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे। कंज्यूमर की इनकम करता है, कंज्यूमर का जो इनकम लेवल है वो भी अफेक्ट करता है। उसके अलावा क्या करता है? कंज्यूमर का जो टेस्ट प्रेफरेंसेस है वो भी अफेक्ट करता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। और क्या करता है भाई आपका? फ्यूचर की जो एक्सपेक्टेशंस है, और बताइए आप और क्या करते हैं आपके पास? साइज और कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, जैसे इंडियन है, यूथ है, तो यूथ के प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। और उसके बाद आपने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि आप अपनी इनकम का कितना इस पर डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, तो ये सारे फैक्टर आप इस पर ये क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं।